Hello friends, welcome to Success Plus Academy. Today we will discuss part 2nd of percentage. Percentage का ये part 2 है. पहले part में हमने पढ़ा था इसके कुछ basic concepts और इसमें भी हम थोड़े से इसके concept देखेंगे और फिर कुछ इसके questions discuss करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा recap कर लेते हैं. पहले जो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक तरह से जैसे percentage को fraction में कैसे बदलना है और fraction को percentage में कैसे बदलना है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने जैसे बता रखा है 1/12 की वैल्यू क्या है 8 से 1/3%. उसी तरीके से मान लो मैं पूछूं 11/12 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप 11 को गुणा करें 1/12 का जो परसेंटेज है उससे. 1/12 की वैल्यू क्या होती है, इसको गुणा करके देख लीजिए आप 8 से 1/3% को, तो क्या आएगा 11/8 88 और 11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 11/3. ठीक है, अब ये चीज है. साथ में अगर हम देखें ये जो भिन्न बनी है, क्या ये सही भिन्न है, ये भिन्न एकदम गलत है, क्योंकि ऊपर जो अंश जो है वो इसका बड़ा है हर से. तो अंश जब बड़ा होता है तो उसको छोटा करने के लिए हम इसमें डिवाइड देते हैं, तो 11 में 3 बार जाएगा भाग. ठीक है, तो 88 तो है ही, प्लस में ये 11/3 है आपके पास, तो 88 प्लस 11/3 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 बार जाएगा और बचेंगे कितने, 2, 11 और 2 नहीं 9 और 2 11/3. तो ये जो 3 है इसको किसमें ऐड कर सकते हैं, इस 88 में, तो आएगा आपका 91.2/3%. ठीक है, तो 11/12 की वैल्यू कितनी आई, 91 से ही 2/3%. ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो कि हमने पहले नहीं देखा है, अभी देखते हैं. अब बात आती है 11/12 को, आप मैं मिटा देता हूं लेकिन आप पहले ही इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. तो 11/12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 11 1/12, ये लिख सकते हैं कि नहीं. एलसीएम लेके देखिए, इसके अगर 12 में से एक गया 11/12, यही चीज है, एक सेम बात है. अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, और 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3. तो 8 सही 1/3% इसमें से घटा देंगे तो एक ही चीज आएगी. ये तो पहले वाला मेथड हम फॉलो कर लें कि 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लें 1/12 से, या फिर 100 में से इसको 8 से 1/3 को घटा दें. तो 100 तो है ही, अब इसमें से आप 8 मत बढ़ाइए, घटाइए 9 घटाइए. कैसे, 8 से ऊपर है ना, तो 9 घटाइए, तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 91. उसके बाद इस 3 में से ऊपर वाला जो अंश है उसको हटा दीजिए, तो 3 में से एक गया 2, तो 91 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप इन सवाल को कर सकते हैं. बेसिक है जो हमने इसका कवर किया. उसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसकी क्या जरूरत है, क्यों करते हैं ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल के इन सवालों को सॉल्व. देखिए एक सवाल है, जैसे ये भिन्न है 1/3. मान लीजिए मैंने सवाल में बोला कि किसी संख्या का 1/3, तो कोई भी संख्या है हम कन्वेंशनल मेथड में उसको देखते हैं. मान लीजिए x है, तो x का 1/3 यानी कि x गुणा 1/3 यही बोलते थे. ठीक है, तो हमें ये x तो यूज करना ही नहीं है, x का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है जब तक अड़ ना जाए हमें, जब तक कोई ऐसा सवाल आ जाए जहां पे x को यूज करना ही पड़ेगा, वरना मिक्स हो रहे हैं सारी चीजें, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले इस 3 को हमें मानना है मूल संख्या, मूल संख्या. ठीक है, मूल संख्या कैसे, जो भी परिवर्तन आएगा वो इस 3 में आएगा. मैं बोलूं कि 1/3 या फिर किसी संख्या का 1/3, तो उसका मतलब ये है कि 3 का 1/3 कितना होगा, 1. 3 का तीसरा हिस्सा क्या है, 1 है. उसी तरीके से इसको हम ये भी बोल सकते हैं 33 सही 1/3%. 1/3 को ये बोले 1/3 बोले, या फिर ये बोले कि 3 में से 1, तीनों बातें एक ही है. ठीक है, तो इसी चीज के लिए हमने इस फ्रैक्शन को बदला है, इन परसेंटेज से फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो ये है मूल संख्या. अब मूल संख्या के बाद जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, या तो होगा परिवर्तन, परिवर्तन वो सवाल पर डिपेंड करता है, या फिर हो सकती है नया, नई संख्या भी हो सकती है, नई संख्या भी ये हो सकती है. तो मैं एक बार इसको मिटाता हूं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि किसी भी भिन्न के अंदर
अगर भिन्न लिखी हुई है और परसेंटेज में आपको करना है परसेंट सवाल करना है सोल्व, तो नीचे वाला जो नंबर है ये होगा मूल संख्या या वास्तविक नंबर, और ये जो ऊपर जो दे रखा होगा ये या तो उस संख्या के अंदर परिवर्तन होगा या फिर इस संख्या से कोई नई संख्या पनपेगी, वो नई संख्या बनेगी। जैसे मैं मान लूँ 4/5, ठीक है, 4/5 में 5 क्या है, मूल संख्या होगी। कैसे है इसका इस्तेमाल धीरे धीरे सीखेंगे। मूल संख्या 5 में अगर मैंने कहा है किसी संख्या में उसका 4/5, तो उसका 4/5 यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहा है, परिवर्तन 4/5 है, जोड़ दिया जाए तो जोड़ दें तो क्या होगा, परिवर्तन क्या है, 4। अगर मैं बोलूं कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने पे वो खुद की 9/5 हो जाती है, खुद की 9/5 हो जाती है, तो ये मूल मान ही है, मूल संख्या तो क्या है 5 ही है, लेकिन अगर इसमें कुछ जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ा और अब वो क्या हो गई, खुद की 9/5 हो गई, यानी कि अब ये नई संख्या बन गई। नई संख्या क्या बन गई, पहले 5 थी अब बन गई 9 बन गई, तो उसमें क्या जोड़ा, हम अगर इसी नंबर में देखें तो हमने सिर्फ जोड़ा है 4, लेकिन एक्चुअल में 4 नहीं जोड़ा इस संख्या, ये तो हमें एक भिन्न में दे रखी है, ओरिजिनली ये 900 भी हो सकता है, नीचे वाला 500 भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हमने क्या जोड़ा है, उस संख्या का, इस 5 का 4 हिस्से और जोड़े हैं इसके अंदर। तो यही चीजों को डिस्कस करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझिए कैसे। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो सारे नंबर आपको शायद होपफुली याद हो गए होंगे, इनको हम मिटा के अब कुछ सवाल करते हैं, बेसिक जो सवाल है उनको करते हैं, फिर हम चलेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको सवाल दिख जाएगा ऊपर और मैं देखता हूं कि सवाल क्या है। मान लीजिए किसी संख्या में उसी का 14 सहित 2/7% अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 6456 बन जाती है, 6456 बन जाती है, तो आपको संख्या निकालनी है। सवाल देख लीजिए बोर्ड पे कि इफ 14 2/7% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ देन इट बिकम 6456, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 14 सहित 2/7% ये दे रखी है हमें परसेंटेज, हमें देखना है सबसे पहले इसी को, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आपको ये याद होगा कि 14 सहित 2/7% को हम लिखते हैं 1/7, ठीक है, ये बात आ गई क्लियर है, ये तो हमें याद करना था। अब इसमें ये जो नंबर है ये होगा मूल संख्या, मूल संख्या यानी कि प्रारंभ में शुरुआत में ये संख्या क्या रही होगी, 7। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया है, इसने कितना परिवर्तन किया है, 14 सहित 2/7% इसमें जोड़ दिया गया है। देखिए बात को समझिए इस बात से कि ये जो 7 है इसमें कुछ परिवर्तन किया, 14 सहित 2 ये इसमें जोड़ दिए, तो हम यहां प्लस लगाएंगे और ये ऊपर जो है ये है क्या है, परिवर्तन, ठीक है। अब ये परिवर्तन माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब मूल संख्या में से कोई चीज घटा भी सकते हैं, उसको जोड़ भी सकते हैं। तो इसने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 14 सहित 2/7% उसी में जोड़ दिया, मतलब 7 के अंदर ये जोड़ दिया। अब 7 का 14 सहित 2/7% ही तो क्या है, 1 है। अब 7 के अंदर 1 जोड़ दिया तो नई जो संख्या है वो क्या बनेगी, नई संख्या क्या बनेगी, 7 तो पहले से थी और उसके अंदर परिवर्तन प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस 1, तो नई संख्या बन गई हमारी 8, ठीक है, 8 बन गई। तो इसने क्या पूछा है, मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए, और ये संख्या जो बनी है नई संख्या हमारे अकॉर्डिंग बनी है 8, इसके अकॉर्डिंग कितनी बनी है, इसने बोला है वो संख्या बन गई है 6456, 6456। तो हमारे अकॉर्डिंग जो 8 यूनिट है, इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6456। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
सीधा आप इसको 8 से उधर डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगी 807, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 807 आ गई है। हमें क्या निकालनी है, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी थी हमारे अकॉर्डिंग, 7 यूनिट थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट की आज की वैल्यू आ जाएगी 5649, 5649, ठीक है। तो वो ओरिजिनल जो नंबर था शुरू में 5649 था, इसमें क्या जोड़ा, उसका 14 सहित 2/7% जोड़ा, जो कि कितना है 807 है, और वो जोड़ने के बाद नई संख्या कितनी बनी 6456। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से सवालों को करना है। अब ये चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो एक बार साइड में वापस समझ लीजिए कि मैंने शुरू में बताया था 14 सही 2/7%। अब इसको परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, जो कि बना 1/7। अब इसका 1/7 का मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ये तो वाइस वर्सा है। तो मैंने ये कहा कि अगर 7 में ये जो मूल संख्या है, 7 में ये जो नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे, 7 का 14 सहित 2/7% क्या होगा, 1। यही चीज दे रखी है, यही कहने का मतलब होता है इस इक्वेशन का मतलब ये है कि 7 का 14 सहित 2/7% कितना है, 1। ये 1 इसमें जोड़ दिया इस 7 में, तो हमारा यूनिट बने 8। इस 8 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो फिर 8 की यूनिट की दे रखी वैल्यू, तो हम कितनी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले 1 यूनिट की निकाली जो कि इतनी आई, 7 यूनिट की निकाली इतनी आई। बात समझ में आ गई, आसान सवाल है। इसी तरीके का अगला सवाल देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप क्वेश्चन को तुरंत एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ देन इट बिकम्स 5688, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसमें से घटा दिया जाए तो जो नई संख्या है वो बनती है 5688 नई संख्या बनती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है कि शुरुआत में वो संख्या कितनी रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, खुद एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। संख्या पहले हमें देखना है नंबर, जो परसेंटेज में दे रखा है वो कितना है, 11 सही 1/9%, यही है। ये अगर किसी संख्या में से घटा दिया जाए, अब की बार घटाना है, पिछली बार हमें क्या करना था, जोड़ना था। सॉरी, 11 सही 1/9% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/9, 1/9 हो गया। अब 1/9 है, इसको क्या करना है हमें, इसमें हमें मूल मान कौन सा होगा, 9। ये हो गया मूल संख्या या मूल मान, मूल संख्या, मूल संख्या आपको क्या मिली, 9। इसमें क्या करा है परिवर्तन में, कि इसमें से घटाया है, इस मूल संख्या में से घटाया है 11 सही 1/9%, वो तो यहां क्या लगाएंगे हम, माइनस। ये माइनस क्या है, परिवर्तन है, मतलब संख्या क्या कर दिया गया, घटा दी गई है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हमारे पास जो नई संख्या आएगी वो क्या आएगी, इस मूल संख्या में से एक घटा दिया तो ये क्या आ गई, 8 यूनिट, 9 में से एक कम किया 8 यूनिट आ गई। अब इसने क्या बोला है, जो नई संख्या आई है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, उसकी संख्या की वैल्यू दे रखी है 5688, हमारे अकॉर्डिंग आई 8 यूनिट, इसके अकॉर्डिंग आई 5688। ठीक है, तो इसने नई संख्या की वैल्यू आपको दे दी 5688। तो अब एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, जो कि क्या है एक्चुअल में, एक यूनिट यहाँ पे परिवर्तन है, वो कितना हो जाएगा, 7 8 56, भाग टूट गया 0 और 11 8 88, 7111। अब हमें निकालना क्या है, मूल संख्या। देखो सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमें पूछा है मूल संख्या है, अगर इसने पूछा होता कि जो चेंज कितना है तो हमारा आंसर होता ये, नई संख्या क्या है तो ये होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पुरानी संख्या क्या है, 9 यूनिट,
ओरिजिनल जो संख्या है वो 9 यूनिट है, तो ये क्या आ जाएगी 9963, जो ओरिजिनल नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6399। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। नोट डाउन आप तुरंत कर लीजिए, जो ही खत्म हो आप बोझ कीजिए और उसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल है, उसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है सवाल। देखिए, अगला सवाल है कि इफ 57 1/7 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 22,550, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसी तरीके का सवाल है, अब की बार थोड़ी सी भिन्न जो है हमारी वो अलग आएगी। अगर किसी संख्या में उसका 57 1/7% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 22,550 बन जाती है। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल संख्या, वो वास्तविक संख्या क्या थी उसको निकालना है। सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। परसेंटेज में क्या दे रखा है, प्रतिशत, 57 1/7%। इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, आधा काम वहीं पे पूरा हो जाता है। कीजिए, जिन लोगों ने पहले वाला लेसन देखा होगा उनको याद भी होगा कि इसकी वैल्यू होती है 4/7। नहीं निकालना आता है तो अगर क्लासिकल मेथड से भी करेंगे तो 57 को 7 से गुणा करके 1 जोड़ के 7 का डिवाइड देना है, उसके बाद उसको 100 से डिवाइड करना है परसेंटेज को हटाने के लिए, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। उसको अगर करेंगे 57 को 7 से तो 399 आएगा, 1 जोड़ेंगे 400 आएगा, 400 को 7 से डिवाइड करना है और 100 से भी डिवाइड करना है, तो 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि 14 सही 2/7%, ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की, और इसको 4 से गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड है आपके पास, इससे आपका फास्ट हो जाएगा, इससे थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है वो आपकी चॉइस है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात ये है कि 57 सही 1/7%, ये जो परिवर्तन है ये कर दिया गया, ये परिवर्तन है कि नई संख्या है, ये है परिवर्तन। उसने बोला है कि इतना जोड़ा गया है, ये परिवर्तन है, ये जो नंबर है, ये परसेंटेज जो दिया है उसको पहले ध्यान से रखिए कि ये क्या बारे, किस बारे में बता रहा है। ये अगर परिवर्तन है तो यहाँ आएगा परिवर्तन, ये जो नंबर है ये बोलता है कि नई संख्या है तो यहाँ आएगी नई संख्या, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है परिवर्तन। अब परिवर्तन भी कैसा है, जोड़ा गया है, इसने बोला कि 57 सही 1/7% इस संख्या में जोड़ा गया है, तो ये प्लस में है परिवर्तन। अब ये बात आती है कि ये क्या है, ये है मूल संख्या। मूल संख्या शुरुआत में जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 यूनिट, अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, 4 यूनिट, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 11 यूनिट। नई संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 11 यूनिट। और ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 22,550। ठीक है, 11 यूनिट की इसने वैल्यू दे रखी है 22,550, तो आप निकाल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 11 × 22 और 0, 11×55 और 0। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2050। ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर ये बोले कि परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, वो हुआ है 4 यूनिट का, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। का परिवर्तन आया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, लेकिन ओरिजिनली इसने पूछा है मूल संख्या। मूल संख्या जो वास्तविक संख्या थी वो कितनी आएगी, इसको आप देखेंगे तो मूल संख्या हमारे हिसाब से थी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट को आप गुणा करेंगे इस 2000 से, तो 7 × 2050। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 × 7 = 35 × 7 = 14। 14,350 वो नंबर था जो वास्तविक था, उसके अंदर 57 सही 1/7% जोड़ दिया गया तो ये बन गया 22,550। क्वेश्चन कहाँ तक पूछा है,
मूल संख्या तक। हो सकता है कभी परिवर्तन पूछ ले, कभी जब नंबर मूल नई संख्या दे के परिवर्तन दे देगा तो आपको ये पूछ लेगा। क्या क्या चीज दे सकता है क्वेश्चन, क्या क्या बन सकता है? पहली बात इसको परिवर्तन दे देगा, उसके बाद मूल संख्या पूछ लेगा जो कि अभी तक करते आ रहे हैं, उसके बाद परिवर्तन परसेंटेज में दे देगा, उसके बाद नई संख्या दे देगा और परिवर्तन को आपको नंबर में पूछ लेगा। ये हो सकता है। हो सकता है परिवर्तन दे दे, मूल संख्या दे दे और नई संख्या पूछ ले, है ना। किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको तीन डेटा दे रखा होंगे और चौथा पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज है। अगला सवाल देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लें। अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे है, क्वेश्चन क्या है कि इफ 280 इज एडेड टू ए नंबर देन इट बिकम्स 562 2/3% ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 280 जोड़ दिया जाए, संख्या में 280 जोड़ दिया जाए तो ये खुद की 566 सही 2/3% हो जाती है, तो आपको वास्तविक नंबर निकालना है। समझ गए बात को? अब की बार इसने क्या दे दिया, परिवर्तन को नंबर में दे दिया, परसेंटेज में ना देके, और नई जो संख्या है उसको इसने परसेंटेज में दे दिया, ठीक है। वापस क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़िए और इस सवाल को खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ आंसर, ठीक है। पहली बात आती है, हमें नंबर पे बाद में कैलकुलेशन करनी है, पहले हमें करना है परसेंटेज पे। 566 2/3%, ये जो चीज है ये क्या दी है, अब की बार परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखिएगा ये है नई संख्या, नई संख्या। अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो ये था परिवर्तन, ये जो परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी थी ये क्या था, परिवर्तन। अब हमें नई संख्या दे दी, इसको हम चेंज करेंगे। मैंने पिछले लेसन में बताया था इस तरह के जो परसेंटेज हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, एक बार फिर से देख लीजिए। 566 आ गया, यानी कि 500 प्लस 66 सही 2/3%, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, एक। 500% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। कैसे होती है, 33 सही 1/3% की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/3 है, इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 66 सही 2/3% आएगा। ये बात समझ गए आप? तो ये है तरीका परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का, जो कि हम सीख चुके हैं। अब इसको पूरी तरह से फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 17/3, ये बात आ गई। अब मैंने क्या कहा था, जब ये नई संख्या दे रखी होती है, ये नई संख्या का फ्रैक्शन है, तो ये जो ऊपर वाला आएगा पार्ट, ये नई संख्या आएगा, नई संख्या आएगा, बात समझ में आई। अगर यहां परिवर्तन होता तो ये 17 क्या होता, परिवर्तन होता, ये नई संख्या है तो ये 17 क्या है, नई संख्या है। लेकिन नीचे वाली जो चीज है वो कभी बदलेगी नहीं, अंश तो बदल जाएगा, हर क्या रहेगा, हमेशा मूल संख्या, मूल संख्या, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद इसने अगली कंडीशन क्या दी है कि किसी संख्या में 280 जोड़ देने पर वो खुद की 566 सही 2/3% हो जाती है ना, ये बात बोली, तो हमें मूल संख्या निकालनी थी। अब देखो, जो हमने इसमें देखा नई संख्या भी आ गई और मूल संख्या भी आ गई, तो हमने इसमें क्या जोड़ा है, तीन में क्या जोड़ा है कि 17 बन गया, इन दोनों के बीच में परिवर्तन कितना है, 14 का ही तो है, तीन में अगर 14 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, 17 में से 3 आप घटा लीजिए 14 आएगा, यानी कि ये जो 14 यूनिट जो आया है ये क्या है, यही तो है परिवर्तन, यही तो है परिवर्तन, मतलब यही 14 यूनिट ही तो जोड़ा गया है, तभी तो नई संख्या बनी है। अब ये नई संख्या है, इसकी आपको वैल्यू दे रखी है नंबर में, 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 280, ये बात क्लियर है, 14 यूनिट की वैल्यू है 280, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। आगे बात समझ में, 14 का 280 में भाग देंगे 20 यूनिट, 20 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो किसी भी यूनिट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मूल संख्या पूछी है, मूल संख्या है हमारी 3 यूनिट, हमारे अकॉर्डिंग जो कि है 3 यूनिट, हो
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 20 को गुणा कीजिए यानी कि 60, यानी कि ओरिजिनली ये नंबर कितना रहा होगा 60। अब बात आती है कि अब नई संख्या क्या होगी, नई संख्या अगर ये पूछ लेता, एक्सटेंडेड वर्जन होता है इस सवाल का कि इसमें पूछा होता कि मूल संख्या भी बता दो और नई संख्या भी बता दो, तो नई संख्या क्या हो जाती, 17 को हम क्या करते गुणा करते, 17 × 20 17 × 34 और ये हो जाती 340। इसको चेक करने का तरीका भी आप देख लीजिए, 340 में 60 कम करेंगे तो 280 आएगा, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि if 45 added to a number then resulted become 116 2/3 of itself, तो पुराना नया नंबर ज्ञात करना है। अब की बार क्या कहा इसने कि अगर 45 को किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो खुद की 116 सही 2/3% हो जाती है। तो अब की बार आपको सवाल में पूछा गया है नई संख्या ज्ञात कीजिए, समझे सवाल को, क्वेश्चन को खुद पढ़िए और इसको करिए, पीछे वाले सवाल जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 116 सही 2/3%, ये बात समझ में। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 116 को क्या लिखेंगे हम, 100% प्लस 16 सही 2/3%, ये क्या होता है 1, और ये क्या होता है अभी तक याद रह गया होगा 1/6, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 7/6। अब ये क्या चीज थी, ये थी नई संख्या। ठीक है, इस बात को बार बार हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि नई संख्या के ऊपर परसेंटेज दे रखा है, तो ये जो नंबर होगा ये होगा नई संख्या, और जो नीचे वाला नंबर है वो तो हमेशा क्या रहेगा, मूल संख्या या वास्तविक संख्या। ठीक है, ये बात है। अब इसने क्या कहा कि किसी संख्या में 45 जोड़ने पे, 45 जोड़ने का मतलब है हमें परिवर्तन निकालना है पहले। इसने कहा हमारे अकॉर्डिंग इसने कितना जोड़ा है, 6, पहले 6 थी अब 7 हो गई, पहले मूल संख्या कितनी थी 6, अब क्या हो गई 7, यानी कि परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन हमारे अकॉर्डिंग आया 1 यूनिट का, और इसने 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो इसके बाद हम कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं, मूल संख्या अगर निकालनी है तो हम 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि वो 6 यूनिट है, नई संख्या पूछी है तो हम उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो हमें पूछी क्या है नई संख्या, नई संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है 7 से 45 को गुणा कर देना है, तो 7 × 35 और 7 × 28 और 3 = 31 315, यानी कि अब वो संख्या कितनी हो गई है, अब वो हो गई है 315, पहले कितनी थी 6 से गुणा करके आप देख सकते हैं 45 को, उतनी थी उसमें 45 जोड़ दिया तो बन गई है 315। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे के सवालों क्वेश्चनों में, जो 2 सही 3, इस तरह के सवाल, मतलब 116 सही 2/3% दे देगा, 566 सही 2/3% दे देगा, मतलब इस तरह के अगर आपके पास नंबर हैं और उसको आप इजीली अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो आपका सवाल आपके पास 20 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।